हमेशा आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल प्रजापति हिंद में कांच पर स्वागत है। तो दोस्तों हम इसको दोपहड़ा बोलते हैं, इसको कैसे तैयार करेंगे, इसमें कैसे डिजाइनिंग है, ये हम आपको इस न्यू वीडियो में बताएंगे। इससे पहले कि हमने आपको बताया था कि इसको चार्ट पे कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों एक नुकीली छड़ी ले लेते हैं इस तरीके से, तो दोस्तों आप भी इसको घर पे बना सकते हो आसानी से अगर आप जानते हो तो काम। थोड़ा देखने में भी सही लगेगा ये। इस प्रकार से इसमें बराबर बराबर लाइनें खींचेंगे। फिर इसमें छेद भी करेंगे, देखो किस प्रकार से। देखो छेद हो गया, आसानी से छेद हो गया। ये छेद इसलिए किए जाते हैं दोस्तों के साइड में से जैसे जैसे हवा लगेगी और इसमें धूप डालेंगे तो हवा लगेगी, जैसे जैसे धूप इसमें ज़्यादा खिलेगी। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें। ये आप लोगों का मेहरबानी होगी कि हमारी कला को आप बढ़ावा देंगे। दोस्तों इस प्रकार से इसमें छेद कर लेते हैं। वैसे माने तो हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार देवी या देवताओं के पूजन में धूप का उपयोग किया जाता है, धूप के लिए इस तरीके से इसको आगे हम बताएंगे किस तरीके से इसको पकड़ते हैं। अब भी इसमें डिजाइनिंग तो करीब करीब हम कर ही चुके हैं, पर इसको पकड़ने के लिए इसको बोलते हैं हैंडल यानी हत्ता, वो भी लगाएंगे साइड में। तो दोस्तों इस प्रकार से इस तरीके से मैं इसके चारों तरफ छेद किया ताकि इसमें हवा जाए इधर से। तो इधर जैसे धूप डालेंगे आँच के ऊपर तो हवा लगेगी तो उसमें धुआं ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको साइड से छेद किया जाता है। तो चलिए इसमें एक जो हम बताए थे हत्ता किस प्रकार से लगाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। थोड़ा पानी इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगा लेते हैं, सेंटर में होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसमें इस हत्ते को लगाते हैं ताकि हम पकड़ने में आसानी रहे और हाथ नहीं चले। दोस्तों ध्यान से देखना कि किस प्रकार से इसमें हमें हत्ता लगाया है, अगर इसमें कमी रहेगी तो जैसे सूखेगा ना तब ये छूट जाएगा। तो
दोस्तों इस प्रकार से करीब करीब हमारे तैयार हो गया है। A few moments later. बनके तैयार हो गया है। जब यूज लेते हैं तो इस प्रकार से इसको पकड़ते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।